ड्रग्स केस में अरेस्ट शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल में 19 दिन हो चुके हैं। शुरुआत में खबरें आई थी कि वह बिना कुछ खाए पिए चुपचाप बैठा रहता है। अब उसकी दिनचर्या में थोड़ा बदलाव आने लगा है। बताया जाता है कि रिहाई का इंतजार कर रहा आर्यन रोज जेल में होने वाली आरती में शामिल हो रहा है। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन की बैरक में बने मंदिर में हर दिन शाम 7 बजे आरती होती है। वह आरती पूरी होने तक वहीं रहता है। आर्यन को क्रूज पर पार्टी के दौरान 2 अक्टूबर को एनसीबी ने हिरासत में लिया था। शाहरुख खान गुरुवार को बेटे से मिलने ऑर्थर रोड जेल भी पहुंचे थे। वे करीब 18 मिनट तक वहीं रुके। इस दौरान उन्होंने इंटरकोम पर कांच की दीवार के पीछे खड़े आर्यन से 10 मिनट मुलाकात की। बताया जाता है कि मुलाकात के बाद शाहरुख जैसे ही लौटे आर्यन विजिटर रूम में ही रोने लगे। इस दौरान जेल के एक संतरी ने उन्हें चुप करवाया। कैदी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर शांत रहने के लिए कहा। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन अब विजिटर रूम से लौट रहे थे, तभी मुलाकाती कक्ष से बाहर लगभग 20 लोग लाइन में लगे थे। आर्यन की आंखों से आंसू निकलता देख उन्होंने भी उसे चुप कराने की कोशिश की। कुछ ने दिलासा दिया कि अगली बार उन्हें जमानत मिल जाएगी। एक ने कहा कि टेंशन मत लो, तुम दिवाली घर पर ही मनाओगे। इसके बाद 2 संतरी आर्यन को लेकर बैरक में चले गए। जेल सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने बैरक में लौटने के बाद काफी देर तक कुछ नहीं खाया। वे एक कोने में शांत बैठे रहे। 1-2 बंदियों के सवाल सिर हिलाकर उन्होंने जवाब दिए। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपके क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखें। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस मुद्दे से और बॉलीवुड से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे।